हाँ तो सर आपने वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद क्या हुआ था आपके लिए? तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। जब हम आए, जब घर पे आए, कुछ देर बाद मुझे पैर में दर्द, हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो गया। हाँ, फिर उसके बाद तब धीरे धीरे बुखार आना शुरू हो गया। हाँ। 4-5 बजे तक बुखार आ गया। हाँ। उसके बाद तब 2 दिन तक बुखार था, कल जा करके कल शाम को थोड़ा मतलब अच्छा लगा। फिर सुनने में आया कि आपके दिमाग में बुखार चढ़ गया था, आप कुछ बक रहे थे उल्टा सीधा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये भी सच है, बुखार हुआ था। तो आप अपने एक भाई से कह रहे थे मेरा हाथ दबाओ, एक भाई से कह रहे थे अपना मेरा पैर दबाओ, अब पापा से कह रहे थे यहाँ बैठो मेरे पास बैठो, ये सब सच है क्या? हाँ ये सच तो है, सच ही है। क्या क्या हुआ था मुझे एक्सप्लेन करके बताइए थोड़ा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। दर्शक क्या जानना चाहते हैं बताए? वो इसलिए हो रहा था, मैं मतलब फिर से डिप्रेशन में जाने लगा था ना यार, पता नहीं क्यों, मतलब वही जिसे सोता तो वही जिसे रामकली का पर्चा डील कर रहा हूँ पूरा वही दिखाई दे रहा था पूरा, या तो फिर एकदम पुराना जो जब वो गया था डिप्रेशन में चले गए तो वो सब चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी। सुनने आया गाली गलौज कर रहे थे आप? नहीं गाली गलौज मैंने नहीं किया, झूठ, ये कौन बोल रहा है गाली गलौज किया है। अच्छा अच्छा, और ये वैक्सीन से जुड़ी कुछ अफवाहें मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद नपुंसकता आ जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये सब अफवाहें हैं, इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ, ये सब बातें मैं नहीं बता सकता आपको। चलिए उम्मीद करते हैं आपका वो भी स्वस्थ होगा। और सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद हमको उलझन घबराहट हो रही है और हम लोग हो रही है। हाँ हो रही है। आपको वैक्सीन लगाने के बाद क्या मतलब शरीर में ऐसा परिवर्तन लग रहा है जिससे आपको लग रहा है कि हाँ हमें अब स्वस्थ है, एंटीबॉडी कुछ इस तरह का बताया? पहले तो उलझन घबराहट के साथ जैसे पैर में दर्द हो रहा था, पूरे हाथ पैर में दर्द हो रहा था, उलझन सा लग रहा था पूरा, वो मतलब अच्छा फील भी नहीं हो रहा था। जब 2 दिन बाद अब रिलैक्स फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, मतलब जैसे बुखार जैसे उतर गया, सही हो गया। तो कुछ आपको मतलब कितने दिन तक बुखार आया, कितनी तेज आया? अरे 102 डिग्री सेल्सियस तक बुखार था। और आपने क्या खाई इसमें मेडिसिन? मेडिसिन डोलो खाया था, और 3 टाइम डोलो सुबह शाम दोपहर 6:30 से 6:30। तो आप फिर क्या कहना चाहेंगे, हर आदमी को वैक्सीन लगवाना चाहिए या फिर अभी नहीं? लगवाना चाहिए, बिल्कुल लगवाना चाहिए, लेकिन 2 दिन तुमको करना पड़ेगा, बुखार बुखार होगा, झेलना पड़ेगा, और क्या बस हो गया दर्द बुखार। चलिए ठीक है। अच्छा आपने जिस हाथ में वैक्सीन लगवाई हो उस हाथ का क्या पोजीशन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो वाला उस वाले को टच कर रहे हैं, जरा से भी टच कर रहे बहुत तेज दर्द हो रहा है, अभी होगा कम से कम 3-4-5 दिन तक। तो जैसा है हमने सुना था कि आपको वैक्सीन लगाने बाद आप उल्टा सीधा बकने लगे थे, आप डिप्रेशन में जाने लगे थे, उलझन घबराहट होने लगी थी, 102 डिग्री बुखार आ गया था आपको, ये पहली वैक्सीन थी। हम ये जानना चाहते कि 3 महीने बाद आपको जो दूसरी वैक्सीन लगेगी उसमें आपका क्या रिजल्ट होगा? उसमें तो वह जब उसका जब वो होगा हमारे पर वो हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो खुद पता चल जाएगा क्या होने वाला है आगे। अभी तो मैं अपने आप तो नहीं बता सकता हूँ क्या होगा। नहीं जैसे इस तरह से लग रहा है कि आपको पहली वैक्सीन लगाने बाद आपकी इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई है, दूसरे में लगता है आप पागल भी हो सकते हैं। नहीं पागल नहीं होंगे, क्योंकि दूसरी बार पहली डोज लगने के बाद आदमी दूसरा डोज को वो कर सकता, कैप्चर कर सकता है अपने अंदर, और पहली डोज तो जानते हो पहली बार लग रहा होता है, इसलिए ज़्यादा होता है उसमें। कह रहे थे तुमको एक सब किसने बताया? सर हमको पता लग गया, क्योंकि हमको रैंडम आपका इंटरव्यू लेना था ना, आपसे बातें जाननी थी, इसलिए हमने ये सब जानकारियाँ पहले से रखी थी। बताया कौन था पहले, ये तो बता। अरे बस आप ही के अड़ोस पड़ोस से पता लगा था, जबकि आपकी हरकतें पता लग जाएं, असलियत पता लग जाए। नहीं हम ये जानना चाहते हैं कि 2 दिन आप मतलब एकदम गायब हो गए थे दुकान से, और आज एकदम आ गए स्वस्थ होके, इसके बारे में क्या कहना चाहते? इसके बारे में यही कहना चाहते, 2 दिन रिलैक्स करोगे तो, और जब तुम लगवाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि 2 दिन बाद वैक्सीन का असर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। कोविशील्ड लगवाई थी आपने या कोवैक्सीन लगवाई थी? कोविशील्ड। देखिए ये है हमारे हिंदुस्तान के युवा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, उनको वैक्सीन का नाम ही नहीं पता है, बताइए। कोविशील्ड लगवाए थे, कोवैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड। कोविशील्ड। अच्छा चलिए ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा,
और वैक्सीन सब लोगों को लगवाना चाहिए, आप लगवाइए। बस ये है, आपको पैरासीटामोल की टैबलेट अपने पास रखनी होगी 650 mg, आपको दो टाइम खानी। अगर ज़्यादा बुखार आ रहा है तो आप तीन टाइम खाइए, दो दिन में बुखार ख़त्म हो जाएगा। बुखार इसीलिए आता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होती हैं, और एंटीबॉडीज बनने के बाद जब एंटीबॉडी उस वायरस से लड़ने सक्षम हो जाती है, उसके बाद बुखार ख़त्म हो जाता है। जैसा कि हमने आप जाना कि इनके साथ इतनी तेज़ बुखार आया था, ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगे थे, वो इसीलिए हो रहा था कि इनके शरीर में एंटीबॉडियाँ बनना स्टार्ट हो गई। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इसी तरह की जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं।